विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के पांचवें दिन सोमवार 28 अक्टूबर को जिले के सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों में 31 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधानसभा चुनाव के लिए अकोला जिले के सभी पांच निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 22 अक्टूबर से शुरू हो गई। इस प्रक्रिया के पांचवें दिन यानी 28 अक्टूबर को जिले के सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों में 31 प्रत्याशियों द्वारा 41 नामांकन दाखिल किए गए हैं। इनमें अकोट निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार प्रकाश भारसाकले और निर्दलीय के रूप में अशोक थोरात, लक्ष्मीकांत कौटकर, रामकृष्ण ढीगर इन चार उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। वैसे ही बालापुर निर्वाचन क्षेत्र से उद्धव सेना के उम्मीदवार के रूप में नितिन टाले, राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से विश्वनाथ जावरकर, बहुजन समाज पार्टी की ओर से भाग्यश्री गवई और निर्दलीय के तौर पर अरविंद महल्ले, अनंत फाटे, शेख अहमद, शेख शब्बीर, उमेश नंदानी, विनोद शिरसाट, अनिल तेजा इन 9 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। अकोला पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में विजय अग्रवाल, निर्दलीय के रूप में प्रकाश मगर और विभिन्न पार्टियों के नाम से नकीर खान अहमद खान ने 4 नामांकन दाखिल किए। साथ ही अकोला पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से उद्धव सेना के उम्मीदवार आशीष दातकर, रेणुका दातकर, कांग्रेस की ओर से सुभाष चंद्र कोरपे, वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार ज्ञानेश्वर सुल्ताने, रिपाई आठवले गुट के बुद्धभूषण गोप नारायण, तो वही निर्दलीय महेंद्र भोजने, राहुल ताइडे, महेश महल्ले, आतिश खाड़े, विजय मालोकार इन 10 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन अर्ज दाखिल किया। मूर्तिजापुर निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी की ओर से रमेश इंगले, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट की ओर से सम्राट डोंगर दिवे, MIM के सम्राट सुरवाड़े और निर्दलीय राजेश खड़े, शैलेश वानखड़े इन 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया।